हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई गेहूं की फसल की खरीद में छूट के बाद लगाई गई शर्तों से किसानों को झटका लगा है। केंद्र सरकार ने खराब गुणवत्ता वाले गेहूं के भुगतान करते समय न्यूनतम समर्थन मूल्य 2175 रुपए प्रति क्विंटल में अधिकतम 32 रुपए वैल्यू कट लगाने के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार के इस झटके को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने केंद्र को एक पत्र लिखकर राहत देने की मांग की है। साथ ही ऐलान किया है कि जब तक वैल्यू कट पर केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं लेता, तब तक राज्य सरकार किसानों को इसका भुगतान करती रहेगी। बता दें कि केंद्र सरकार की गेहूं खरीद में छूट दिए जाने के बाद वैल्यू कट की शर्त के तहत पूर्ण साफ और सूखे गेहूं पर कोई कटौती नहीं की जाएगी, साथ ही 12% तक कोई कट नहीं लगेगा, लेकिन इससे अधिक होने पर प्रति पॉइंट के हिसाब से कटौती की जाएगी। इसके साथ ही गेहूं की चमक 10% कम रहने पर भी कटौती नहीं होगी। चमक में 10 से 80% तक कम रहने पर 5.31 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती करने के आदेश केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं। केंद्र की इस शर्त को लेकर हरियाणा सरकार पर विपक्षी दल हमलावर हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के साथ ही कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आप नेता अनुराग डांडा ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के साथ छल करने का काम किया है। संकट की घड़ी में किसानों से प्रति क्विंटल करीब 32 रुपए तक की कटौती करना अनैतिक है। पहले ही किसान बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के नुकसान से उभरे नहीं है। वहीं हरियाणा कांग्रेस ने भी इस फैसले को किसानों के हित में नहीं बताया है। सरकार के इस फैसले को लेकर गुरनाम सिंह चडूनी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार यदि अपने फैसले को वापस नहीं लेती तो 13 अप्रैल को हरियाणा व पंजाब में अनाज मंडियों के बाहर रोड जाम किया जाएगा। सरकार ने किसानों के खिलाफ यह तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर हमारे दर्शक किस नजरिए से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें YouTube पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।